लाला वैसे वो पता है वो एक फ्रेंच में एक एक्सप्रेशन होती है जो इंग्लिश में भी बहुत इस्तेमाल होती है, उसको डेजा वू कहा जाता है, यानी आप कोई ऐसी फीलिंग के आप पहले देख चुके हैं और एक बार फिर से देख रहे हो तो डेजा वू फीलिंग होती है। कल जब नसीम ने दो छक्के मारे ना, वो डेजा वू फीलिंग आ गई थी जिसका हमने जिक्र, मीरपुर में जो आपने दो छक्के मारे थे और उसमें जो इतनी ममासलत थी कि आपका भी दूसरा छक्का हमें लगा था कि आपने बॉल खड़ी कर दी और कैच हो रहे हैं, और नसीम वाला जो शॉट था वो भी लगा था कि ये जो है ना ये कैच हो गया है। सो लाला एक यंग लड़का इतने प्रेशर सिचुएशन में इस तरह अपनी जो उसकी स्किल भी नहीं है उससे मैच निकलवाता है, इस टीम में कोई खास फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही है? यानी ये दे आर नॉट गिविंग अप, नंबर 10 का बैट्समैन आके मैच जिता रहे और फिर बाद में कहता है मुझे पता था मैं तो जितवा दूंगा मैच, आप चेक करते हैं, अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मजा आ रहा है। देखिए लड़के जितने भी हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, उन्हें पता है इस एशिया कप की इंपॉर्टेंस का पता है, जीत का पता है, इंडिया से बड़ा जबरदस्त मैच जीते थे, उसके बाद से हांगकांग से मैच जीते, एंड देन उन्हें पता था कि अफगानिस्तान के साथ भी मैच इजी नहीं है, तगड़ा मैच होगा और फुल कॉम्पिटिशन होगा उनके साथ, और वो भी अगर आप उसकी बात सुन लें जो उनका कप्तान है नबी की, तो भी यही कहा था उसने कि हम यहाँ पे खेलने नहीं आए, हम ट्रॉफी उठाने आए, जीतने आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी बहुत तगड़े, उन्होंने भी तगड़ी क्रिकेट खेलनी थी। तो जहां से मैच हम लेके चले और जहां नसीम शाह ने शॉटें मारी हैं